कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। डूबे हुए को देखने चला था, खुद को ही डुबो लिया। साल 1912 में अटलांटिक महासागर में डूब गए टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने निकले ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी टाइटन रविवार अटलांटिक महासागर में 5 यात्रियों समेत डूब गई और इसका मलबा टाइटैनिक जहाज के पास ही मिला है। इसमें सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं वीणा आर पाडिगार स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम जिंदगी हमारे आसपास में। और आज के इस अंक में हम यही बातें करने वाले हैं। टाइटैनिक के मलबे के प्रति लोगों की दिलचस्पी उनको समुद्र में 12,500 फीट गहराई तक भी खींच कर ले जा सकती है। टाइटन नाम के पनडुब्बी में जो 5 अरबपति सवार थे वो थे ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश, जो इस पनडुब्बी के कप्तान थे, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हमीश हार्डिंग, फ्रांस के पॉल हेनरी नार्जियोलेट, पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए हर यात्री से $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से अधिक का चार्ज करती है। कभी कभी लगता है कि इन पांचों को इनके जोखिम उठाने का शौक और अत्यधिक धनवान होने ने ही डुबो दिया। कार्बन फाइबर से बनी मात्र 96 घंटे की ऑक्सीजन से लैस टाइटन एक छोटी कैप्सूल के आकार की पनडुब्बी थी, जिसकी अधिकतम क्षमता 5 लोगों की ही थी। ये पनडुब्बी 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची थी। इस पनडुब्बी की बनावट ऐसी थी कि इसमें बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, बल्कि एक सपाट फर्श था जिन पे ये 5 लोग बैठे थे। इस पनडुब्बी के अंदर इन 5 लोगों को पैर पसारने तक की जगह नहीं थी। अधिकारियों ने बताया कि पनडुब्बी में सवार लोगों के पास सीमित मात्रा में खाना और पानी था। इस पनडुब्बी में बाहर देखने के लिए महज 21 इंच व्यास की एक खिड़की थी। एक आंकलन के अनुसार टाइटन को टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस आने में 8 घंटे का ही समय लगना था। टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट गहराई में है, जहां तक जाने में 2 घंटे, टाइटैनिक को देखने में 4 घंटे और वहां से वापस आने में 2 घंटे का ही समय लगना था। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से जिस गहराई में है वहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी समुद्र के पानी में मात्र 660 फीट तक ही जा सकती है। जो लोग पूरी कुशलता के साथ स्कूबा डाइविंग करते हैं वो भी अधिकतम 130 फीट गहराई तक ही जा पाते हैं। समुद्र में अब तक का सबसे गहरा अंडरवाटर रेस्क्यू 1575 फीट की गहराई तक ही किया जा सका है। इस दुर्घटना की गहराई को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि टाइटैनिक का मलबा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से भी 4.5 गुना ज्यादा गहराई में है। इस पनडुब्बी को पोलार प्रिंस नाम के जहाज ने रविवार 18 जून को समुद्र में उतारा था, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही जहाज से उसका संपर्क टूट गया था। पनडुब्बी अमेरिकी तट से 900 नॉटिकल माइल्स दूर केप कोड के पूर्व में लापता हुई थी। खलबली उसी समय से मचने शुरू हो गई थी। पनडुब्बी की क्षमता के आधार पर 96 घंटों के बाद इस पनडुब्बी का ऑक्सीजन खत्म हो जाना था। समय बीतने के साथ साथ इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की बचने की उम्मीदें भी धुंधली होती चली गई। CNN के एक रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट के CEO ने कहा था कि टाइटन को बनाने में उन्होंने कुछ नियमों की अनदेखी की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने इसे बनाने में कुछ नियमों को तोड़ा है और मेरा मानना है कि उन नियमों को मैंने तर्क के आधार पर और इंजीनियरिंग को देखते हुए तोड़ा है। अब लोग इस दुर्घटना की वजह उन्हीं टूटे हुए नियमों में ढूंढ रहे हैं। टाइटन की खोज में अमेरिका और कनाडा की बड़ी एजेंसियों के अलावा गहरे समुद्र में जाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। सैन्य विमान और सोनार बॉय की मदद से भी इस पनडुब्बी की तलाश की गई। सोनार बॉय एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए ध्वनि तरंगों को भेजकर समुद्र के नीचे की वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर गहरे पानी में दुश्मन पनडुब्बियों को ढूंढने में किया जाता है। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए रोबोट्स का सहारा भी लिया गया। पनडुब्बी में सवार पायलट और ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश की साल 2021 में कही गई बातों को आज याद की जा रही है।
एक अजब संयोग भी इस दुर्घटना में देखने को मिला है। वो ये कि टाइटन के पायलट और ओशन गेट कंपनी के सीईओ की पत्नी के परदादा परदादी की जान टाइटैनिक हादसे में गई थी। बचाव अभियान की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि बचाव कर्मी समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो बचाव का काम समुद्र तल में तेज करे या समुद्र की सतह पर। उन्हें हर मोड़ पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि समुद्र में बचाव अभियान जमीन पर बचाव अभियान के मुकाबले कई ज्यादा गुना मुश्किल होता है। दोस्तों, टाइटैनिक और टाइटन जैसी दर्दनाक घटनाएं मन को भारी कर देती हैं। दुआ कीजिए कि जिंदगी हमारे आसपास के सभी एपिसोड्स में हम जिंदगी की ही बात करें, ऐसी कोई परिस्थिति ना बने कि मौत की चर्चा की जाए। अगले खुशनुमा विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को वीणा का नमस्कार। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास।